हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओके क्लासेस। तो फ्रेंड, अपन बात करेंगे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कल मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया था, हाल ही में स्टेनली का निधन हुआ है, इसका संबंध किस देश से है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पर, चीन। सेकेंड ऑप्शन था ब्रिटेन। थर्ड ऑप्शन था अमेरिका। फोर्थ ऑप्शन था रूस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो स्टेनली अमेरिका के थे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं 16 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पेज के ऊपर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में क्या कर दिया कांग्रेस ने, अपनी जो लिस्ट है 152 सदस्यों की वो आउट कर दी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से इस पर संशय चल रहा था। उसके अलावा जो अब की बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, टॉक्सिक, टॉक्सिक है वो क्या है वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना गया है। पिछले साल पर्यावरण और राजनीतिक माहौल को देखकर इस शब्द को क्या क्या चुना गया। उसके अलावा बात करें तो अपन जो मिजोरम के अंदर नया मुख्य चुनाव अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, अभी आशीष कुंद्रा को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे यहाँ पर, पहले थे SB शशांक, यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी थे, लेकिन अभी उनकी जगह किसको नियुक्त किया गया है, आशीष कुंद्रा को। उसके अलावा बात करें तो अपन स्मार्टफोन के दाम में 5 से 8% की क्या होगी अभी बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर राजस्थान की सभी सीटें दी गई हैं BJP और कांग्रेस की, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर भी अपने लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर है CJM में, जो अब आपको पता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर जस्टिस चेमलेश्वर भी थे, उन्होंने अभी जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको बताने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। ओके, उसके बाद में अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो सफाई और सुरक्षा के लिए जयपुर रेलवे को क्या क्या है, 1.5 लाख रुपए का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। उसके अलावा बात करें तो अपन पिक्चर ऑफ द डे ये है, यहाँ पर ये जो 75 आइलैंड से गिरा हुआ कौन सा द्वीप है, ये बोल द्वीप है। ठीक है, इसके अंदर सालाना 20 लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। इसके अंदर जो 1268 पहाड़ियाँ कैसी आकृति उनकी चॉकलेट जैसी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। इसके अलावा अपन यहाँ बात कर रहे हैं स्मार्टफोन के दाम 5 से 8% बढ़ सकते हैं, मिड डे रेंज की अभी क्या डिमांड बढ़ गई है। सितंबर तिमाही के अंदर स्मार्टफोन की बिक्री 9.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसके अलावा बात कर लेते हैं अपन स्पोर्ट्स पेज पर, तो स्पोर्ट्स पर आपको पता है दोस्तों कल से क्या हो गया है, वर्ल्ड जो फीमेल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो क्या हो गई है, शुरू हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पर अधिकारी ही मैच देखने के लिए आए, फ्री पासेज रखे गए थे, फिर भी यहाँ पर देखने के लिए लोग नहीं आए। तो इससे पता चलता है अपन यहाँ पर मुक्केबाजी के लिए कितना इंटरेस्ट है या नहीं। उसके अलावा बात करें तो अपन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं अपने लिए। उसके अलावा यहीं वही CGI के रेज को उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी जज मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं उसका सिस्टम समझ में नहीं आया, कभी तो 2 साल के अनुभव बना लेते हैं, कभी 5 साल का अनुभव ज़रूर कर देते हैं। उसके अलावा बात करें तो अपन आपको पता कल नरेंद्र मोदी सिंगापुर के अंदर जो भी आसियान देश के समिट है उसके अंदर क्या लिया, उन्होंने हिस्सा लिया। उसके अलावा यहाँ पर दीपिका और रणवीर कपूर की क्या हो गई है, शादी की पिक्चर सामने आई है। उसके अलावा बात करें तो अपन यहाँ पर एप्पल और फेसबुक के अंदर आपस में थोड़ी नोकझोंक चल रही है। उसके बाद देख लेते हैं अपन यहाँ पर
केरल सरकार ने अभी क्या किया है, आपको पता है सबरीमाला मंदिर के अंदर जो महिलाओं की एंट्री, उसके लिए काफ़ी विरोध चल रहा है। अभी केरल सरकार महिलाओं की एंट्री के लिए एक फिक्स डे निर्धारित कर रही है, ठीक है, कि इस दिन महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की एंट्री होगी। उसके लिए इसका विरोध कल, आपको पता है, इसके लिए कि सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई थी जो बेनतीजा रही, क्यों आपको पता है, भूमाता ब्रिगेड की जो वो वहाँ पर जाने के लिए परमिशन मांग रही है। इसके अलावा सावरकर के बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। और बात करें तो यहाँ पर नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग केस में एजीएल को क्या दिया गया, यहाँ पर राहत दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो फ्रेंड आज के लिए न्यूज़पेपर से इतना ही। अब अपन बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर क्वेश्चनों की। फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई लर्निंग साइट NIPUN लॉन्च की है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान पुलिस ने, सेकंड ऑप्शन है चंडीगढ़ पुलिस ने, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली पुलिस ने, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा पुलिस ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस के DIG कौन है अभी, अमूल पटनायक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, हाल ही में संजय करोल ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश के, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा के, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो त्रिपुरा के हाईकोर्ट उसके क्या लिए है, शपथ ली। तो त्रिपुरा की बात करें तो अपन मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव देव। गवर्नर की बात करें तो कप्तान सोलंकी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उसके अलावा फ्रेंड्स अपन ने कल बात करी थी MP के NK सेठ ने भी रिसेंटली शपथ लिया था, अपन को ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन अशोक चावला ने इस्तीफा दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यस बैंक, सेकंड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस बैंक। तो यस बैंक के चेयरमैन अशोक चावला ने क्या दे दिया इस्तीफा, तो यस बैंक के CEO कौन है, तो यस बैंक के जो CEO हैं वो हैं राणा कपूर। तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो पहले डाल रखा है, विभिन्न कंपनी के जो भी CEO हैं वो ट्रिक से अपने यहाँ पे, उसमें सभी CEO को कवरअप किया गया है। तो राणा कपूर, तो इसको याद करने का क्या है, कपूर को अपन कूपन से रिलेट करेंगे। तो कूपन लेने जाते हैं दुकान पे तो क्या कहता है, कूपन है तो कहता है यस, हाँ कूपन है। तो यस बैंक के CEO कौन है, राणा कपूर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉक्स महोत्सव कहाँ शुरू किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है शिलोंग के अंदर, सेकंड ऑप्शन है इम्फॉल के अंदर, थर्ड ऑप्शन है देहरादून के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है श्रीनगर के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग के अंदर क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉक्स महोत्सव शुरू किया गया। तो आपको पता है शिलोंग किसकी, मेघालय की राजधानी है। तो मेघालय के CM कौन है, उन्नड संगमा जी। गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर तथागत रॉय यहाँ के क्या हैं, गवर्नर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, हाल ही में सरकार ने कितने रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 55 का, सेकंड ऑप्शन है 75 का, थर्ड ऑप्शन है 100 रुपये का, फोर्थ ऑप्शन है 50 रुपये का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 रुपये का क्या किया गया, अभी सिक्का जारी किए गए किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 30 दिसंबर 1943 को क्या किया गया था, जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर इंडिया का क्या किया गया था, फ्लैग को वहाँ पर
रह गया था, ठीक है। तो उसके अभी जो 30 दिसंबर आएगा यहाँ पर, तो इस चीज़ को अभी 75 वर्ष पूरे हो गए रहे हैं उसके उपलक्ष्य में अभी RBI है वो 75 रुपये का क्या करेगी, सिक्का जारी करेगी। आपको पता है उस सिक्के के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र का चित्र होगा, क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने क्या किया था वहाँ पर, झंडा फहराया था। इस सिक्के का वजन कितना होगा, 35 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है बीजिंग के अंदर, थर्ड ऑप्शन है टोक्यो के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया के अंदर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। अपन अभी भी देखा है नई दिल्ली के अंदर शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जितने भी फ्री टिकट देने के बाद भी लोग वहाँ पर देखने के लिए नहीं आए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अक्षय कुमार को, सेकंड ऑप्शन हेमा दास को, थर्ड ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा को, फोर्थ ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हेमा दास है उनको क्या किया गया है, यहाँ पर युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। आपको पता है जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई, 1946 के अंदर, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, टोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में युवा सरकारी योजना सरकारी नहीं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना दोस्तों, सहकारी योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय ने, सेकंड ऑप्शन है कृषि मंत्रालय ने, थर्ड ऑप्शन है गृह मंत्रालय ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कृषि मंत्रालय है उसने क्या किया है, सहकारी योजना इस सहकारी योजना की शुरुआत है, युवा सहकारी योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको पता अपने जो कृषि मंत्री कौन अभी, वो है राधा मोहन सिंह। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सहकारी व्यापार उद्योग है उसको NCDC के तहत क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। और आपको पता अभी कृषि मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ला लिगा प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लियोन मेसी ने, सेकंड ऑप्शन है रोनाल्डो ने, थर्ड ऑप्शन है काका ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोन मेसी ने। ये अपन फ्रेंड्स कल अपन ने इसको जो अपना इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर ही इसको कवरअप किया था। तो जो लियोन मेसी वो कहाँ के हैं, बर्सिलोना के हैं। जो लास्ट ईयर किसने जीता था, लास्ट ईयर रोनाल्डो और काका ने क्या किया था, इसको जीता था, लेकिन अब के बारे में इसको पछाड़ कर इन्होंने क्या किया है, ये अवार्ड जीता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय पत्रकार के साहस के लिए 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2018 जीता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुधीर कुमार ने, सेकंड ऑप्शन है सुमित अवस्थी ने, थर्ड ऑप्शन है स्वाति चतुर्वेदी ने, फोर्थ ऑप्शन है श्वेता सिंह ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्वाति चतुर्वेदी ने उन्होंने क्या किया है, इसको जीता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2019 में आम चुनाव के लिए युवाओं को जोड़ने के लिए ट्विटर इंडिया द्वारा क्या पहल की गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है @TechPower18, सेकंड ऑप्शन है @TechPower21, थर्ड ऑप्शन है @TechPowerVote, फोर्थ ऑप्शन है @PowerElection। तो फ्रेंड्स आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।